जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है, ये दिन मुबारक। क्या दोस्तों आप भी चाहते हो किसी के भी बर्थडे में कुछ इस प्रकार का एक बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करके विश करना? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को सिखाऊंगा कुछ इस प्रकार का आपको बर्थडे स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है। और दोस्तों इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो आप लोग किसी के भी पिक्चर से बना सकते हो। अगर दोस्तों खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो मेरे से क्रिएट करवाना कोई भी स्टेटस वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करना, नहीं तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, काइन मास्टर ऐप को ओपन करना है। दोस्तों आप लोग काइन मास्टर ऐप को जैसे ओपन करोगे आपका काइन मास्टर इंटरफेस आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है 9:16। उसके बाद आपको नीचे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके एक बार आपको बैक आ जाना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेटिंग ऑप्शन, और सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आ जाना है एडिटिंग पर, और एडिटिंग पर आने के बाद डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन को 4.5 सेकंड पर सेट करना है और डिस्प्ले मोड को कर लेना है फुल स्क्रीन। ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपको बैक आ जाना है और आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा मीडिया ऑप्शन, और दोस्तों इस मीडिया ऑप्शन पर जाकर आपको दोस्तों कम से कम 30 सेकंड वीडियो के लिए 10 से 12 फोटो ऐड करना है। दोस्तों फोटो ऐड करने के बाद आपका वीडियो का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। अगर दोस्तों फोटो ऐड करने के बाद मान लो आपका फोटो का साइज कुछ इस प्रकार से आ रहा है तो आपको दोस्तों नीचे जो फोटो दिखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाना है पैन एंड जूम का ऑप्शन पर, और आपको दोनों उंगली से इस प्रकार से आपको फोटो को जूम करना है, और साइड में दोस्तों एक डबल आन है इसमें आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से आपको वीडियो के एंड तक करना है जो कि मैं पहले से ही कर चुका हूँ। और नेक्स्ट आपको दोस्तों ये जो माइनस का आइकन आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों 3D ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रिप्स, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सभी आपको माइनस का आइकन पर जितना आपको फोटो का मिडल में दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है, और आपको फोटो में क्लिक करके इस प्रकार से इसका लेंथ को थोड़ा बहुत आपको कमा लेना है, और एंड पोजीशन पर जाकर एंड पोजीशन का फोटो का लेंथ भी दोस्तों कुछ इस तरह से आपको 30 सेकंड तक रखने के बाद फोटो में क्लिक करके सीजर वाला ऑप्शन पर जाकर राइट साइड इसको ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर आपको दोस्तों एक एरो आपको दिखने को मिलेगा इस पोजीशन में, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन को 1080p और फ्रेम रेट को 60fps करने के बाद वीडियो को नीचे सेव कर लेना है, ठीक है। ये दोनों सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, और बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फोटो में क्लिक करके नीचे एक विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से आपको विग्नेट को ऑन करते हुए वीडियो के एंड तक आपको जाना है, ठीक है। और आ जाना है स्टार्टिंग पोजीशन में, लेयर ऑप्शन पर जाकर इफेक्ट ऑप्शन पर आना है, बेसिक इफेक्ट पर मिलेगा आपको ब्लर वाला इफेक्ट, इसको आपको ले लेना है, और इस तरह से आपको ब्लर को चारों ओर कर लेना है। सेटिंग ऑप्शन पर जाकर इसको 3 करना है, और इस तरह से आपको ब्लर को लेकर चले जाना है वीडियो के एंड तक इस तरह से स्लाइड करते हुए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक ले जाने के बाद आपको आ जाना है स्टार्टिंग पोजीशन में, और लेयर ऑप्शन पर जाकर आपको दोस्तों मीडिया ऑप्शन पर जाना है, और आपको एक टेम्पलेट वीडियो को लेना है। दोस्तों टेम्पलेट वीडियो को लेने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इसमें क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन करना है, और थोड़ा नीचे मिलेगा आपको दोस्तों ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। फिर से लेयर ऑप्शन में क्लिक करके इस बार आपको आ जाना है स्टिकर पर, और स्टिकर पर आने के बाद दोस्तों आपको बर्थडे पार्टी वाला एक बैलून वाला स्टिकर को ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद इस तरह से इसको आपको इस जगह पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे दोस्तों अच्छी तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा इसका लेंथ इस तरह से वीडियो के एंड तक करना है, और इसका एक डुप्लीकेट लेना है ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके, और इसको आपको इस तरह से थोड़ा बहुत रोटेट करके इस जगह पर आपको बैठा लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये तीनों पोजीशन में आपको फोटो एडजस्ट करना है। उसके पहले आपको यहाँ पर एक वीडियो को ले लेना है, तो वीडियो को लेने के लिए आपको लेयर ऑप्शन पर जाकर मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके वीडियो को ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो को लेने के बाद इस तरह से इसका साइज को थोड़ा कमाना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको इस फ्रेम के ऊपर आपको सही से एडजस्ट करके आपको ये वाला वीडियो को आपको बैठाना है, और इस तरह से इसको आपको जूम कर लेना है, ठीक है।
और जूम करने के बाद 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और आपको सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से बैकग्राउंड में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको तीनों फोटो में फोटो एडजस्ट करने के लिए फिर से लेयर ऑप्शन पर जाकर मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको दोस्तों कोई भी एक फ़ोटो को पहले लेना है। दोस्तों फोटो को लेने के बाद आपको क्रॉपिंग ऑप्शन पर जाकर मार्क्स कौन करना है और शेप्स के अंदर आपको ट्राइंग एंगल वाला शेप्स को सिलेक्ट करके थोड़ा इसको इस तरह से आपको जूम नहीं एडजस्ट कर लेना है और आपको मिडिल में थोड़ा जूम कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको इसका साइज़ को थोड़ा आपको कमाना है फ्रेम के साइज मुताबिक और इसके ऊपर में आपको सही से एडजस्ट करके आपको इसको बैठाना है, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों अच्छी तरीके से जैसे एडजस्ट होकर बैठ जाएगा आपको दोस्तों ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको सेंड टू बैकवर्ड को इसको भी कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो सेंड टू बैक करके 3rd नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसका भी लेंथ पकड़ के वीडियो के एंड तक करना है, ठीक है। इस तरह से इसी प्रोसेस से दोस्तों आपको क्या करना है, ये दो वाला फ्रेम में भी फोटो एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों तीनों फ्रेम में फोटो एडजस्ट हो जाने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन पर आकर लेयर ऑप्शन पर जाकर टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और दोस्तों यहाँ पर इस तरह से नाम को लिख लेना है और डबल एक ऑप्शन पर आपको जो भी फ्रंट स्टाइल है जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से थोड़ा बहुत आपको जूम करके इस जगह पर आपको बैठे लेना है, ठीक है। और बैठे लेने के बाद इसका जो लेंथ है इस तरह से आपको स्लाइड करते हुए लेकर चले जाना है वीडियो के एंड तक, ठीक है। और एंड तक ले जाने के बाद आ जाना है स्टार्टिंग पोजिशन में और आपको दोस्तों एक बार इस तरह से एक बार आपको प्ले करके देख लेना है किस तरह से आपका वीडियो एडिटिंग हुआ है। अगर दोस्तों मेरे तरह एडिटिंग क्रिएट करते हुए कोई भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो को आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था।